फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स मेरे पास आ चुके हैं, किसका हो सकता है इलेक्शन, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इनसाइड बिग बॉस। तो दोस्तों नंबर वन से शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर वन की जगह बदली नहीं है, जी हाँ दोस्तों नंबर वन पे है आसिम रियाज। दोस्तों आसिम, इनको बहुत अच्छे वोट्स हुए और इसी वजह से नंबर वन पे है आसिम रियाज। उसके बाद दोस्तों नंबर दो पे कौन होगा, नंबर दो पे है रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों रश्मि, इनको भी बहुत अच्छे वोट्स हुए और इसी वजह से नंबर दो पे है रश्मि देसाई। उसके बाद नंबर थ्री पे है आबरा कडाबरा पारस छाबरा। जी हाँ दोस्तों पारस, इनको भी बहुत अच्छे वोट्स हुए और इसी वजह से नंबर थ्री पे है पारस छाबरा। उसके बाद नंबर फोर पे है आरती सिंह। जी हाँ दोस्तों आरती सिंह, इनको ठीक ठाक वोट हुए है। उसके बाद नंबर फाइव पे है विशाल आदित्य सिंह। जी हाँ विशाल आदित्य सिंह, इनको भी ठीक ठाक वोट हुए है। उसके बाद दोस्तों नंबर छह यानी कि बॉटम टू की फर्स्ट कंटेस्टेंट है माहिरा शर्मा। जी हाँ दोस्तों माहिरा शर्मा ने शेफाली इनको ओवरटेक किया है और माहिरा आ चुकी है नंबर छह पे। अब उसके बाद नंबर सात पे यानी कि लास्ट पोजीशन पे है शेफाली जरीवाला। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि शेफाली जरीवाला और माहिरा शर्मा, इनके जो बीच का वोटिंग डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है और इसी वजह से अब ये डिसीजन होगा बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर, किसको घर से बेघर करना है और किसको घर में सेफ रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगले हफ्ते आने वाला है फैमिली वीक, तो भाई बिग बॉस टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस बार भी इविक्शन कैंसल कर सकते हैं। अब तो दोस्तों ये सब हमें कल पता चल जाएगा क्योंकि कल है वीकेंड का वार का शूटिंग और उसके सारे अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस फाइनल वोटिंग ट्रेंड के बारे में आपको क्या कहना है ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे कूल बाय।